आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। अज्ञात अपराधी लुटेरों ने गोली मार ले उड़े रुपए। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत मंगल बाजार का है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी जो सुपौल का रहने वाला है, सुपौल के जगन्नाथ चौधरी व्यापारी के यहाँ पिकअप मैजिक चलता जो त्रिवेणीगंज के व्यापारियों को सामान पहुंचाता है। साथ ही त्रिवेणीगंज के व्यापारियों से रुपए वसूल कर सुपौल जगन्नाथ चौधरी को देता है। शाम के समय सुरेंद्र चौधरी त्रिवेणीगंज व्यापारियों से रुपए वसूल कर मंगल बाजार में रखी पिकअप मैजिक के पास जा रहा था कि पीछे से अज्ञात अपराधी लुटेरों ने गोली मार दी, साथ में ले जा रहे रुपए ले उड़े। सूचना मिलते ही पुलिस बल छानबीन में जुट गई है। घायल सुरेंद्र चौधरी को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल इलाज कराया गया। नर्स पूनम कुमार ने बताया कि गोली दाहिने कंधे के पीछे गोली लगी थी जो आर पार होकर बाहर निकल गई। हालांकि घायल सुरेंद्र चौधरी को सुपौल रेफर कर दिया गया है। बिहार के सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। सुपौल अंडर कस्टडी कह दिया पुलिस के से गोली कहां पुलिस केस बैठा बैठा अंदर बैठा हुआ आपने तो बैठिए आप आइए इधर जैसे अपना पकड़ रखना हो कौन अस्पताल में है रेफरल अस्पताल अभी ये कौन सा मामला आया था गोली कांड आया था कैसा है उसका स्थिति स्थिति सामान्य है गोली लगा है कहाँ से कहाँ लगा है पीछे लगा है दाया बाँह में आगे निकला है वहाँ से अच्छा अभी कहाँ उसको भेजा नहीं भेजा हम लोग फर्स्ट ट्रेड किए हैं उसका इलाज चुनमेंट किया है स्टिच किया है डॉक्टर साहब आईडी सब रेफर भी किया गया क्या उसको नहीं रेफर तो नहीं अभी तक तो नहीं नाम मालूम है उसका क्या है सुरेंद्र कुमार चौधरी कहाँ पे घटना हुआ था ये जानकारी है नहीं इतना नहीं बता सकता। एक सुरेंद्र चौधरी है वो रघुनाथ स्टोर है सुपौल में चाय के व्यापारी है वो उनका पैसा कलेक्शन के लिए उनका स्टाफ आया था तो कुछ अपराध कर्मी उसका चार अपराध कर्मी दो मोटरसाइकिल पर पीछा कर रहे थे त्रिवेणीगंज से पैसा वसूल कर एक दुकान से उजाड़ के पीछे से गोली मारा बोलते हैं झोला में कुछ पैसा था उसको लेकर के फरार हुआ जख्मी ठीक है कहाँ क्या है सर वो भी वहीं के सुपौल के ही रघुनाथ सर कितनी राशि थी नहीं राशि के बारे में स्पष्ट अभी पता नहीं चल पाया हम लोगों को अब कितना कलेक्शन था वो हम लोग जांच करते हैं उसके बाद पता चलेगा तो 5-10 हजार रुपया बहुत सारे दुकानों से वसूले हैं कितने कितना चार आदमी पता चला है सर क्या कौन कौन आदमी है नहीं अभी हम लोग जा रहे हैं घायल की स्थिति सर कैसी है घायल तो ठीक है अभी डॉक्टर साहब क्या पुष्टि हुई है गोली लगने की गोली लगने की तो पुष्टि हुई है डॉक्टर साहब भी हैं बता रहे हैं कि गोली लगी है लेकिन एग्जिट हो गया है गोली पास हो गया है और खतरे से वो बाहर हैं बिल्कुल ठीक है हम लोगों से बातचीत भी हुई है और फिर उनके जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया उस हिसाब से हम लोगों ने सुना फोन कर रहे हैं वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया जाएगा सीसीटीवी फिलहाल उसको खंगाल गाँव के हालात से लेकर किसानों के भरोसे पर गाँव के विकास से लेकर खेतों की खुशबू का गांव के प्रधानों से करेंगे बात गांव गांव तक पहुंचेंगे हम हर खबर दिखाएंगे हम हकीकत गांव की जल्द आ रहा है HBN न्यूज पर।